अभी हम लोग क्लास 11th फिजिक्स का मॉडल सेट को सॉल्व करने वाले हैं। इसमें 40 प्रश्न हैं और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको एक नंबर मिलने वाला है। और सभी टॉपिक से यहाँ पर प्रश्नों को लिया गया है ताकि हम लोग को पता चले कि कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन पूछ रहा है और किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो एक आपका रिवाइज भी हो जाएगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो उसके लिए कुछ प्रश्न हैं जिसको अभी हम लोग सॉल्व करेंगे साथ में मिल करके। कुछ मेरा प्रयास रहेगा कि मैं लाइव क्लास में भी आपको फिजिक्स का कुछ टॉपिक को हम लोग रिवाइज करेंगे, पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे। तो जो पहली बार वीडियो में जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, पहला प्रश्न को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पर कह रहा है एक माइक्रो बराबर है, 1 माइक्रो इज इक्वल टू, तो 1 माइक्रो याद रखना है किसके बराबर होता है, तो 1 माइक्रो बराबर होता है 10^-6 मीटर के, 10^-6 मीटर। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाता है। अगला प्रश्न क्या आता है, त्वरण का विमीय सूत्र, डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन। तो याद रखना है त्वरण का विमीय सूत्र, तो मात्रक से हम लोग विमा में पहुंच सकते हैं। तो त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो मीटर, मीटर किसको दर्शाता है, तो मीटर दर्शाता है लंबाई को और सेकंड दर्शाता है समय को। तो इसका घात -2, तो एल टी का घात -2। तो आप देखिए कौन सा ऑप्शन है, तो ये तो है एम एल टी का घात -2, एल टी का घात -1, एम एल टी, नन ऑफ दीज। तो इनमें से कौन सा सही हो जाएगा, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं है। अगर होता तो एल टी का घात -2 होता। अगला प्रश्न चलते हैं हम लोग, देखिए अगला प्रश्न कहता है आउट ऑफ द फॉलोइंग विच कैन नॉट बी नेगेटिव, इनमें से कौन सा नेगेटिव नहीं हो सकता है, इनमें से कौन ऋणात्मक नहीं हो सकता, ये पूछता है प्रश्न। ऑप्शन में दिया हुआ है टोटल पाथ लेंथ, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, नन ऑफ दीज, कुल पथ की लंबाई, वेग, त्वरण, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है जो जो अदिश राशि है वो सामान्यतः ऋणात्मक नहीं होता है। सदिश में तो सदिश दिशा से संबंधित है तो ऋणात्मक हो भी सकता है। तो यहाँ पर हम लोग ऑप्शन को अगर ध्यान से देखें तो वेग नेगेटिव भी आ सकता है, माइनस में हो सकता है, त्वरण यह भी सदिश राशि है यह भी माइनस में हो सकता है, लेकिन कुल पथ की लंबाई जो टोटल पाथ लेंथ या फिर टोटल पाथ का जो डिस्टेंस होगा वो माइनस में नहीं जाता है। क्लियर है, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए। अगला प्रश्न में चलते हैं हम लोग, प्रश्न कहता है अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम 20 मीटर पर सेकंड, एक बॉडी है स्टार्ट कर रहा है 20 मीटर पर सेकंड से, इफ इट्स एक्सेलरेशन इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर देन वेलोसिटी ऑफ द बॉडी आफ्टर 10 सेकंड, है ना। यहां पर कहता है एक पिंड या फिर वस्तु है 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलना प्रारंभ करता है, यदि उसका त्वरण 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और समय 10 सेकंड के बाद उसका वेग क्या होगा। तो यहां पर प्रारंभिक वेग u, इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, समय दिया हुआ है 10 सेकंड, तो 10 सेकंड के बाद इसका वेलोसिटी क्या होगा। तो हम लोग को मालूम करना है v, तो एक समीकरण था v बराबर u प्लस at, v इक्वल्स टू u प्लस at। तो u, u का वैल्यू कितना दिया है 20, शुरू में 20 है, यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, a का वैल्यू दिया हुआ है 2, दिख रहा है 2, और समय दिया हुआ है 10, तो v इक्वल्स टू 20 प्लस 20, तो v का वैल्यू कितना हो जाएगा 40 मीटर पर सेकंड। तो ये सही आंसर आ जाएगा। तो कौन सा सही होगा, तो इसमें अगर देखिए 40 मीटर पर सेकंड ए वाला, ये जो 40 मीटर पर सेकंड है ये सही हो जाता है। अगला प्रश्न चलते हैं हम लोग, देखिए अगला प्रश्न कहता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन यूनिट टाइम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड, एकांक समय में या इकाई समय में कण का कोणीय विस्थापन कहलाता है। तो याद रखना है एकांक समय में कण का कोणीय विस्थापन क्या कहलाता है, कोणीय वेग कहलाता है, कोणीय वेग जिसको हम लोग ओमेगा से दर्शाते हैं। तो इसका सही होता है कोणीय वेग, सी, एंगुलर वेलोसिटी कहलाता है। अगला क्वेश्चन क्या था, देखिए इफ अल्फा एंड बीटा आर टू एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन फॉर द सेम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, यदि किसी प्रक्षेपक की परास दो अल्फा तथा बीटा के लिए समान होगी, परास दो कन कोन एक्चुअली होता है, यहाँ पर थोड़ा हिंदी में थोड़ा लिखने में थोड़ा मिस्टेक है, तो कोन अल्फा तथा बीटा के लिए अगर क्षैतिज परास समान है, यानी कि आर का वैल्यू अगर सेम है अलग अलग कोण के लिए, एक अल्फा और बीटा के लिए, तो अल्फा और बीटा का क्या होगा। तो एक चीज़ को एकदम याद रखना है, अगर एक वस्तु को हम लोग यहाँ से अगर प्रक्षेपित कर रहे हैं, फेंक रहे हैं, अगर 10 मीटर जा करके गिर रहा है और अगला वस्तु को सेम वेलोसिटी से फेंक रहा है, सेम वेग से फेंक रहा है और दूरी भी उतना ही पर गिर रहा है, लेकिन कोण अलग है, तो वो कितना होना चाहिए,
तो याद रखना है कॉम्प्लीमेंट्री जो एंगल्स जो आ जाता है इसका, इसके लिए ये प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए, तो एक को अगर फेंकेंगे थीटा से तो दूसरा को फेंकते हैं 90 माइनस थीटा से, तो एक को फेंकेंगे थीटा से तो एक का होना चाहिए 90 माइनस थीटा, तो अगर अल्फा का वैल्यू है थीटा तो बीटा का वैल्यू होना चाहिए 90 माइनस थीटा। ठीक है, इसको एक उदाहरण से भी समझा देते हैं। अगर ये कोण अगर आपका 30 डिग्री है तो दूसरा वाला कोण जहाँ पर 36 परास का मान समान होगा, हॉरिजॉन्टल रेंज सेम होगा, तो उसके लिए एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा, मतलब कितना 60 डिग्री। तो अल्फा और बीटा को अगर जोड़ दिया जाए, देखिए अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू कितना होना चाहिए 90 होना चाहिए, करके देखिए अल्फा का वैल्यू कितना लेंगे थीटा और बीटा का वैल्यू कितना होना चाहिए 90 माइनस थीटा, एकदम याद रखना। तो इक्वल्स टू 90 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, प्लस थीटा माइनस थीटा कट जाएगा प्लस 90, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये बी वाला, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, है ना। चलिए अगला प्रश्न चलते हम लोग, ये भी देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन से क्वेश्चन है। मैक्सिमम रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल आर मैक्सिमम, प्रक्षेप्य की अधिकतम परास या महत्तम परास आर अधिकतम के लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसका सूत्र सबको आपको याद रखना है। महत्तम परास के लिए, महत्तम ऊंचाई के लिए जब ऐसे फेंका जाता है, महत्तम परास कहाँ पर गिर रहा है, अधिक से अधिक दूरी पर कब गिरेगा, अधिक से अधिक ऊंचाई पर कब जाएगा और कितना समय तक हवा में रहेगा, तो इसका सूत्र याद रखना है। इस दूरी को हम लोग आर कहते हैं 36 परास, तो इसका महत्तम होने के लिए तो आर का सूत्र क्या होता था, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बट्टा जी, ये पढ़ता था। तो r बराबर लिख सकते हैं u स्क्वायर, साइन का मान महत्तम कब होता है 90 डिग्री पर, तो थीटा का मान कितना होना चाहिए 45 डिग्री, क्योंकि 45 गुना 2 तब जाकर 90 डिग्री हो जाएगा, रख दीजिए u स्क्वायर साइन 2 गुना 45 बट्टा जी, तो r बराबर u स्क्वायर साइन 90 डिग्री बट्टा जी, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग u स्क्वायर बट्टा जी, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए वाला। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है न्यूटन्स विच लॉ इज द रियल लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का कौन सा गति का नियम वास्तविक, गति का वास्तविक नियम है, तो याद रखना है सेकंड, न्यूटन का जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है वही फोर्स को डिफाइन करता है, एक्चुअली फोर्स के बारे में बताता है। देखिए कैसे, क्योंकि वहां पर कहता था चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था फोर्स के, है ना, समय में परिवर्तन की दर वस्तु पर आरोपित बाह्य बल के समानुपाती होता है, ऐसा कहता है। तो ये सेकंड लॉ, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, द्वितीय गति का नियम याद रखना है। अगला प्रश्न में अगर आगे बढ़े, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर, तो प्रकृति में सर्वाधिक प्रबल बल, तो याद रखना इसमें न्यूक्लियर फोर्स हो जाएगा, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स न्यूक्लियर फोर्स, और सबसे कमजोर बल अगर पूछा जाएगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। अगला क्वेश्चन, रॉकेट प्रोपल्शन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, रॉकेट का जो प्रोपल्शन है, जो प्रक्षेपण है, वो डैश के संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, तो किसके, तो याद रखना है यहाँ पर रेखीय संवेग, लीनियर मोमेंटम के कंजर्वेशन पर बेस्ड होता है। अगला प्रश्न, इफ नॉर्मल फोर्स बिकम्स टू टाइम्स देन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन घर्षण गुणांक को म्यू से दर्शाते थे, यदि अभिलंब बल दोगुना कर दे जाए तो घर्षण गुणांक, देखिए समझिए थोड़ा, मान लीजिए ये सतह है, यहां पर एक वस्तु रख दिया गया, वस्तु का भार क्षैतिज तल पर हॉरिजॉन्टल सरफेस पर क्या होता है, सीधे नीचे लगता है और अभिलंब प्रतिक्रिया बल ऊपर जाता है, सही बात है, और इसका जो घर्षण गुणांक होता था यह सतह का म्यू कहते थे हम लोग, है ना। क्वेश्चन क्या कहता है, यदि अभिलंब बल दुगुना हो जाए, तो अभिलंब बल दुगुना कब होगा, अभिलंब बल दुगुना तब होगा जब भार भी दुगुना होगा, भार दुगुना होगा यानी कि क्रिया बल ज़्यादा दुगुना होगा, प्रतिक्रिया बल भी दुगुना होगा, लेकिन यह जो घर्षण गुणांक है ये निर्भर करता है सतह की प्रकृति पर, नेचर ऑफ सरफेस पर और नेचर ऑफ मटेरियल पर जो कि कांटेक्ट में है, है ना, पदार्थ की प्रकृति पर जो कि संपर्क में है, जैसे लोहा का है कि लकड़ी का है इस पर, और सतह की प्रकृति पर कि यह रुखड़ा है कि चिकना है, स्मूथ है, रफ है, इस पर, तो इससे कोई लेना देना नहीं है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका रिमेन सेम, तो घर्षण गुणांक में कोई फर्क नहीं पड़ना है, भार बढ़ जाए चाहे घट जाए, याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, ये क्या कहता है क्वेश्चन समझते हैं, अ बॉल ऑफ मास m स्ट्राइक्स अ रिजिड बॉल विथ स्पीड u एंड rebounds विद द सेम स्पीड, द impulse imparted टू द बॉल बाय द वॉल इज, m द्रव्यमान वाली एक गेंद u चाल से एक सख्त दीवार से टकराती है और फिर उसी चाल से टकराकर वापस हो जाती है, दीवार के द्वारा गेंद पर आरोपित आवेग होगा। ठीक है,
इसको ज्ञात करना है, आवेग यानी कि इंपल्स। इंपल्स तो आवेग बराबर होता है संवेग में परिवर्तन। क्या होता है? संवेग में परिवर्तन यानी कि चेंज इन लीनियर मोमेंटम। समझते हैं, देखिए मान लेते हैं यह दीवार, ये हो गया दीवार, एक एम द्रव्यमान का गेंद गया कितना का वेग से, गया यू वेग से, और वापस रिबाउंड कर गया यानी कि वापस लौट करके आ गया समान वेग से यू से। तो प्रारंभिक समय कितना होगा? प्रारंभिक समय, प्रारंभिक शुरू का है, तो ये कितना हो गया एम यू, द्रव्यमान गुना वेग, मास इनटू वेलोसिटी। बाद का जो संवेग है वो कितना हो जाएगा एम यू, लेकिन दिशा उल्टा हो गया तो माइनस, क्योंकि संवेग भी सदिश राशि है तो माइनस ले लिया। आवेग ज्ञात करना है, आवेग यानी कि इम्पल्स, तो ये होता है संवेग में परिवर्तन, चेंज इन लीनियर मोमेंटम। चेंज इन लीनियर मोमेंटम, संवेग में परिवर्तन। तो संवेग में परिवर्तन कैसे निकालेंगे? अंतिम संवेग में से प्रारंभिक संवेग को घटा देंगे, तो P2 का वैल्यू कितना, माइनस एम यू, माइनस P1 का वैल्यू कितना, एम यू, तो माइनस एम यू माइनस एम यू कितना, माइनस टू एम यू। तो आवेग कितना का जाएगा, माइनस टू एम यू। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, डी वाला, माइनस टू एम यू सही है। अगला प्रश्न चलते हैं हम लोग। Which one of the following is not conservative force? या तो conservative हो जाता है ना, conservative force। निम्न में से कौन सा संरक्षी बल नहीं है? तो इनमें से कौन सा संरक्षी बल नहीं है? देखिए समझते हैं कि संरक्षी बल किसे कहते हैं। तो संरक्षी बल उसे कहते हैं वह बल जिसके द्वारा या जिसके विरुद्ध किया गया जो कार्य होता है, वह बल जिसके द्वारा या जिसके विरुद्ध किया गया कार्य केवल प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु पर निर्भर करता है, इसके द्वारा तय की गई पथ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। किसी भी पथ में जाए समान मात्रा में वर्क होगा, समान कार्य होगा। जैसे ए से बी तक गया, अगर 25 जूल का वर्क हो रहा है इस रास्ता से, पहला रास्ता से, तो दूसरा रास्ता से भी 25 जूल का ही कार्य होगा, तीसरा रास्ता से भी 25 जूल का ही कार्य होगा, है ना। तो ऐसा बल को कहते हैं हम लोग संरक्षी बल या कंजर्वेटिव फोर्स। और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है जो प्रारंभिक बिंदु अंतिम बिंदु के साथ साथ पथ की प्रकृति पर भी निर्भर करेगा, किस रास्ता से आया, कैसा रास्ता से आया, उस पर भी निर्भर करता है, तो उसको कहते हैं हम लोग असंरक्षी बल, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो इसमें व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंजर्वेटिव फोर्स, कौन सा कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, संरक्षी बल नहीं है? तो घर्षण बल जो है यह संरक्षी बल नहीं है, क्योंकि यह प्रारंभिक बिंदु अंतिम बिंदु के साथ साथ पथ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है कि वो रुखड़ा है कि चिकना है कि क्या है। तो इसका सही ऑप्शन होता है घर्षण बल। बाद बाकी तीनों जो है वो संरक्षी बल है, चुंबकीय बल भी, स्थिर विद्युत बल भी और गुरुत्व बल भी। अगला प्रश्न देखिए, एक किलोवाट घंटा kWh बराबर है, वन किलोवाट आवर, आवर इज इक्वल टू, तो एक किलोवाट घंटा लिख लीजिए। किलो मतलब ही हो गया हजार, वाट मतलब क्या होता है, शक्ति का मात्रक, जो कि आ जाता है आपका जूल प्रति सेकंड में, लिख सकते हैं। घंटा, घंटा मतलब कितना सेकंड, 60 गुना 60 सेकंड, सेकंड सेकंड कट गया, 10 के घात 3 क्या बच गया, जूल, और 60 गुना 60 कितना, 3600 जूल। इसी को लिख सकते हैं 36 गुना 10 के घात 5 जूल, स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर बदला जाए तो 3.6 गुना 10 के घात 6 जूल। तो एक किलोवाट घंटा, एक किलोवाट घंटा इसको हल करके कितना मिला, 3.6 इंटू 10 द पावर 6 जूल। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये वाला, 3.6 इंटू 10 द पावर 6 जूल। अगला प्रश्न चलते हैं हम लोग। देखिए कहता है एक अ क्रेन लिफ्ट्स अ मास ऑफ 100 किलोग्राम टू अ हाइट ऑफ 10 मीटर इन 20 सेकंड, द पावर ऑफ द क्रेन इज, तो शक्ति याद करना हम लोग क्रेन का, और जी का वैल्यू कितना लेने बोला है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक क्रेन 20 सेकंड में 10 मीटर ऊंचाई तक 100 किलोग्राम के एक द्रव्यमान को उठाती है, तो क्रेन की शक्ति है। यहाँ पर जो जो मान को दिया हुआ है ना, सबका संकेत को आप लिख लीजिएगा, आपको अपने आप सूत्र पता चल जाएगा। देखिए समय दिया हुआ है, टी दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है और मास दिया हुआ है, तो हम लोग को उसका शक्ति ज्ञात करना है। तो शक्ति बराबर क्या होता है, तो पावर बराबर हो जाता है कार्य बट्टा समय, तो वर्क यहाँ पर आ जाएगा एम जी एच, क्योंकि स्थिति में परिवर्तन, ऊंचाई ले जा रहा है ना, तो ऊंचाई जो कार्य जो कर रहे हैं वो इस रूप में कर रहे हैं, एम जी एच, और समय टी, रख दीजिए मान, तो द्रव्यमान कितना है 100 के जी, जी का वैल्यू 10 लेने बोला है, एच का वैल्यू कितना है 10, और समय कितना है, समय है 20 सेकंड, 20, 20, 25, 100, 500 वाट होना चाहिए, 500 वाट, कौन सा ऑप्शन सही है, ये वाला 500 वाट बस। अगला क्वेश्चन, यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम कोणीय संवेग का मात्रक है, तो कोणीय संवेग को याद रखना है हम लोग एल से दर्शाते हैं ना,
और इसका एक संबंध होता है, एल सदिश बराबर हो सकता था आर सदिश क्रॉस पी सदिश। तो आर दूरी हो गया मीटर और संवेग ये रैखिक संवेग है, तो रैखिक संवेग और कोणीय संवेग में यह संबंध होता है, ऐसा भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना सकता है। तो पी, पी का मान कितना, पी संवेग है, संवेग बराबर क्या होता था, द्रव्यमान गुना वेग, तो द्रव्यमान का क्या आ गया किलोग्राम और वेग का क्या आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड। देखिए गुना कर दीजिए, किलोग्राम मीटर 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 स्क्वायर प्रति सेकंड है ना, तो कोणीय संवेग का ऐसे मात्रक क्या हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। देखिए कौन सा है, ये वाला बी, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड, ये वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न में चलते हैं हम लोग। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास एम एंड रेडियस आर अबाउट अ टेंजेंट टू द स्फीयर इज, गोले की स्पर्श रेखा के परतः द्रव्यमान एम एवं त्रिज्या आर के किसी ठोस गोले का जड़त्व आघूर्ण क्या है। तो ठोस गोला, चलिए समझ लेते हैं, तो एक ठोस गोला है जिसका त्रिज्या है आर, याद रखना है इस गोला का ये वृत्त नहीं है बल्कि गोला है ना, गोला है मान कर चलिए, और इसका द्रव्यमान हम मान लेते हैं एम। तो ठोस गोला का जो जड़त्व आघूर्ण होता है ना, ठोस गोला का जड़त्व आघूर्ण जो उसके केंद्र से होकर के गुजरता है, जो अक्ष जो उसके केंद्र से होकर के गुजरेगा, उसका सूत्र याद रख लीजिएगा 2/5 mr² होता है। ये ऑप्शन में ऐसे डायरेक्ट भी पूछ सकता है। और खोखला गोला का जो होता है, खोखला गोला का जो जड़त्व आघूर्ण होता है वो 2/3 mr² होता है। कितना होता है 2/3 mr² है ना। अब हम लोग यहां पर क्वेश्चन में क्या पूछा है, गोले की स्पर्श रेखा के परतः, तो यहां पर एक स्पर्श रेखा खींच दी, ये जो अक्ष है इसको हम लोग मान लिया जो केंद्र से होकर गुजर रहा है द्रव्यमान केंद्र से वाई वाई डैश, तो वाई वाई डैश के परतः ठोस गोला का, ये ठोस गोला है इसका जाता है आपका 2/5 एम आर स्क्वायर है ना। अभी हम लोग को इस अक्ष के परतः याद करना है, जो उस जो गोला जो है उसके सतह से होकर के एक स्पर्श रेखा खींच दिया गया ऐसे, तो इसको ज्ञात करने के लिए हम लोग को एक प्रमेय जानने की जरूरत है, वह प्रमेय होता है समांतर अक्षों का प्रमेय से, किससे समांतर अक्षों के परमेय से, समांतर अक्षों के परमेय से। तो यहां पर हम लोग को किसके परतः ज्ञात करना है, पी क्यू, वही ना स्पर्श रेखा खींचे हैं, तो पी क्यू बराबर हो जाएगा जिसके परतः आपको ज्ञात है वाई वाई डैश प्लस द्रव्यमान और दोनों समांतर अक्षों के मध्य का लंबा दूरी का वर्ग, तो एम आर स्क्वायर। तो वाई वाई डैश कितना था 2/5 एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, इसको जब हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 7/5 एम आर स्क्वायर है ना। तो कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए 7/5 एम आर स्क्वायर, तो ये ऑप्शन डी सही होता है। और केवल अगर पूछ देता कि ठोस गोला का जड़त्व आघूर्ण, तो आपको याद रखना है 2/5 एम आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर क्या पूछ दिया, इसके स्पर्श रेखा में गुजर रहा है, टच करते हुए गुजर रहा है एक अक्ष, तो इसके प्रति अगर घूमेगा तो कितना जड़त्व आघूर्ण होगा, तो इतना हो जाएगा 7/5 एम आर स्क्वायर। अगला प्रश्न चलते हैं हम लोग। देखिए अगला प्रश्न क्या आता है, एकदम आराम से समझते हैं हम लोग है ना। द एंगुलर स्पीड ऑफ अ मोटर व्हील इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 1200 आरपीएम टू 3120 आरपीएम इन 60 सेकंड्स। द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द मोटर व्हील इज, क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं, किसी मोटर के पहिए की कोणीय चाल 16 सेकंड में, कितना समय में 16 सेकंड में 1200 आरपीएम से 3120 आरपीएम तक बढ़ जाती है। आरपीएम मतलब क्या हो गया, रोटेशंस पर मिनट है ना, एक मिनट में कितना बार चक्कर लगा रहा है 1200 घूम रहा है, और 16 सेकंड बाद वो कितना घूमना शुरू हो गया, एक मिनट में प्रति मिनट में 3120 चक्कर लगा रहा है, इतना तक बढ़ गया। तो मोटर के पहिया का कोणीय त्वरण कितना है, एंगुलर एक्सेलरेशन कितना है, अल्फा कितना है, उसको पूछ रहे हैं, तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए इसको हम लोग ऐसा करते हैं ना, यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं, यहीं पर आ जाएगा, कोई बात नहीं है, देखिए आराम से निकल जाएगा। तो समय दिया हुआ है 16 सेकंड, एकदम आसान सा क्वेश्चन है, ध्यान देना है। शुरू में आरपीएम यानी कि 60 सेकंड में कितना चक्कर लगा रहा था, 1200 चक्कर है ना जी, तो एक सेकंड में कितना चक्कर लगाएगा, तो 1200 कम ना लगाएगा एक सेकंड में, 60 सेकंड में ना 1200 था तो एक सेकंड में कम लगाएगा, तो मतलब भाग जाएगा, तो इसको भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा 20। तो एक सेकंड में पूर्ण किए गए चक्करों की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। तो पहले जो चक्का था उसका आवृत्ति कितना था, 20,
एक सेकंड में कितना 20, तो इसको आप आवृत्ति का मात्रक प्रति सेकंड भी लिख सकते हैं या फिर हर्ट्ज कर सकते हैं, जो लिखना है लिख लिया। अब इसका कोणीय वेग कितना होगा, तो कोणीय वेग और आवृत्ति में एक संबंध होता है, याद रखना, ओमेगा बराबर होता है 2πf, तो 2πf1 लिख लिया, तो 2π और f1 की जगह कितना 20, तो हो गया 40π और इसका मात्रक हो जाता है रेडियन प्रति सेकंड। तो शुरू का कोणीय वेग इतना था, बाद में इसका प्रति मिनट कितना चक्कर लगा रहा है 2120, तो 60 सेकंड में ये कितना चक्कर लगा रहा है 2120 चक्कर, तो एक सेकंड में कितना लगाएगा भाग दे देना पड़ेगा, भाग दे दीजिए, तो 2120/60 चक्कर, 1010 से काट दीजिए, 6×35 6×2=12, तो इसका आवृत्ति बाद का आवृत्ति कितना हो गया 52 हर्ट्ज, या तो 52 चक्कर प्रति सेकंड, ठीक है। अब इसका कोणीय वेग निकालते हैं, तो ओमेगा 2 बराबर क्या हो जाएगा 2πf2, तो ओमेगा 2 बराबर 2π, f2 का वैल्यू 52 कितना हो गया 104π रेडियन प्रति सेकंड, ये हो गया ओमेगा 2। तो शुरू में कोणीय वेग था 40π रेडियन प्रति सेकंड का, कोणीय वेग में बदल लिया इसको, और बाद में जो कोणीय वेग था वो कितना का हो गया 104π रेडियन प्रति सेकंड, हल करके देख लिए। अब हम लोग को क्वेश्चन पूछ रहा है कि कोणीय त्वरण बताओ कितना है, तो वेग में परिवर्तन की दर को ही तो क्या कहते हैं त्वरण कहते हैं, तो कोणीय वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाएगी कोणीय त्वरण कहलाएगी, तो कोणीय त्वरण को याद रखना अल्फा से दर्शाते हैं, तो कोणीय वेग में परिवर्तन बट्टा समय, ओमेगा में चेंज हो रहा है किसके साथ समय के साथ, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ω2 - ω1/T, तो ω2 कितना 104, 104π में से कितना को घटा देंगे 40π, थोड़ा सा जगह इधर लिखते हैं ना, तो अल्फा बराबर 104π में से 40π, ये जो शुरू वाला बट्टा टी, टी कितना था 16 सेकंड, समय था 16 सेकंड, है ना 16 सेकंड, भाग दे दीजिए, देखिए 104 में से 40 गया कितना हो गया 64π/16, 16 से कट गया 16×64, तो अल्फा बराबर आ गया 4π, कितना बच रहा है 4 और यहाँ पाई 4π, यह हो जाएगा रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर, जैसे रैखिक त्वरण का क्या आता था मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाता है रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर, तो कौन सा सही हो जाएगा 4π रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर, ये देखिए ऑप्शन बी सही है 4π रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर, है ना। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम लोग, कैपलर्स फर्स्ट लॉ इज नॉन एज, तो कैपलर का जो ग्रहों का गति का नियम बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, तीन गति का नियम था उसका, तो पहला गति का नियम क्या कहलाता है, तो एकदम रट करके रखना, पहला गति का नियम कहलाता है आपका प्रथम नियम, कहलाता है कक्षा का नियम, पहला वाला कहलाता है कक्षा का नियम, दूसरा वाला कहलाता है क्षेत्रफल का नियम, दूसरा वाला पूछता तो क्षेत्रफल का नियम, और तीसरा वाला कहता है आवर्तकाल का नियम, तीसरा वाला आवर्तकाल का नियम, लेकिन यहाँ पर पहला वाला पूछा है तो कक्षा का नियम ये सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है वैल्यू ऑफ जी इज, जी का मान होता है, जी का मान होता है मैक्सिमम एट पोल्स, मैक्सिमम एट इक्वेटर, सेम एवरीवेयर, मैक्सिमम एट सेंटर ऑफ अर्थ, तो जी का मान याद रखना है ध्रुवों पर अधिकतम होता है, कहाँ पर ध्रुवों पर अधिकतम, मैक्सिमम एट पोल्स, उत्तर ध्रुव दक्षिण ध्रुव पर सबसे अधिक होता है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं हम लोग, देख क्या कह रहा है, भी ई जो है इज द एस्केप वेलोसिटी, ई मतलब एस्केप है वेलोसिटी है, और भी ओ जो है मान लिया वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी, किसका सैटेलाइट को, फॉर ऑर्बिट क्लोज टू द अर्थ सरफेस, और जो एक सैटेलाइट है जो पृथ्वी के सतह के नज़दीक ही परिक्रमा कर रहा है, देन दीज आर रिलेटेड बाई ऑफ, तो उनके मध्य क्या संबंध होगा, समझते हैं फिर से हिंदी में क्या कहते हैं, पृथ्वी की सतह के निकट कक्षा के लिए किसी उपग्रह का पलायन वेग भी ई, पलायन वेग भी, और कक्ष वेग को किस दर्शा रहा है भी ओ हो, तो ये संबंधित है, तो इनके मध्य में क्या संबंध होगा पलायन वेग और कक्षीय वेग में, तो समझते थोड़ा सूत्र को याद रखना है, सूत्र अगर याद रहेगा तब जाकर कौन किस पर निर्भर करता है कैसे संबंधित है सारा चीज पता चलेगा आपको। देखिए तो पलायन वेग या इसके वेलोसिटी का जो सूत्र है वो हो जाता है √2gm/r, ठीक है, और कक्षीय वेग जो है या ऑर्बिटल वेलोसिटी जिसको कहते हैं
उसका सूत्र हो जाता है अंडर रूट जी एम बट्टा स्मॉल आर। वास्तव में होता है स्मॉल आर। स्मॉल आर क्या है समझते हैं। देखिए मान लीजिए ये पृथ्वी है और ये कोई उपग्रह इसके चारों कक्षा यानी कि चक्कर लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है, घूम रहा है ना। यहाँ पर कोई उपग्रह है जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। जितना भी दूरी जो होता है वो हमेशा पृथ्वी के केंद्र से मापते हैं, तो पृथ्वी के केंद्र से जो घूम दूरी जो है इसको हम लोग ले रहे हैं स्मॉल आर। यही तरह आपका यही है कक्ष त्रिज्या और पृथ्वी के त्रिज्या को हम लोग मान लेते हैं आर, है ना, कैपिटल आर। और ये उपग्रह तक जो यहाँ तक जो पहुँच रहा है यह है दूरी स्मॉल आर। और उपग्रह पृथ्वी की सतह से जो ऊंचाई पर जो घूमता है उसको हम लोग एच मान रहे हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कह दिया है, यदि पृथ्वी की सतह के निकट कक्षा के लिए, तो निकट मान लिया उपग्रह यहाँ नहीं घूम रहा है मतलब एकदम नज़दीक में घूम रहा है, तो स्मॉल आर बराबर एक्चुअली में कितना होता है आर प्लस एच। और चूंकि निकट घूम रहा है तो एच का वैल्यू लगभग में क्या मान सकते हैं, जीरो। तो स्मॉल आर आर प्लस एच का वैल्यू जीरो, तो स्मॉल आर किसके बराबर हो जाएगा, आर के बराबर। तो कक्ष वेग इसी को हम लगभग में जी एम बट्टा कैपिटल आर भी लिख सकते हैं, लिख सकते ना ऐसे, क्योंकि उपग्रह पृथ्वी की सतह के नज़दीक परिक्रमा कर रहा है। तो अब देखिए दोनों सूत्र को, अब देखिए दोनों सूत्र को, देखिए यहाँ पर यह है पलायन वेग का और यह हो गया आपका कक्ष वेग का। तो क्या संबंध आ रहा है, वी बराबर रूट टू गुना, इसको क्या लिख सकते हैं, रूट जी एम बट्टा आर लिख सकते हैं ना जी, बराबर रूट टू और रूट जी एम बट्टा आर की जगह कितना लिख सकते हैं भी ओ। तो क्या संबंध आ गया, वी बराबर रूट टू गुना भी ओ, क्या मिल गया, वी बराबर रूट टू गुना भी ओ। कौन सा ऑप्शन सही है, डी वाला, वी बराबर रूट टू गुना भी ओ। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके संबंध सबको याद रखिएगा, क्वेश्चन आप बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन नंबर 22, तो आउट ऑफ द फॉलोइंग व्हिच इज द मोस्ट प्लास्टिक मटेरियल, तो इनमें से कौन सा सबसे अधिक प्लास्टिक मटेरियल, इनमें से सर्वाधिक प्लास्टिक पदार्थ कौन सा है, लोहा, तो लोहा तो नहीं होगा, लकड़ी ये भी नहीं है, रबड़ की प्लास्टिसिन, तो इसका सही उत्तर होगा रबड़ भी नहीं है प्लास्टिसिन। अगला प्रश्न में चलते हैं हम लोग, देखिए क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, क्वेश्चन नंबर 23, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, हुक के नियम अनुसार ऑफ द इलास्टिसिटी, इफ स्ट्रेस इज इंक्रीज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन, हुक के प्रतास्थता के नियम अनुसार यदि प्रतिबल बढ़ता है तो प्रतिबल से विकृति का अनुपात, तो याद रखना है हुक के नियम अनुसार यह कह रहा था कि प्रतिबल यानी कि जो स्ट्रेस है वह समानुपाती होता है विकृति के, यह हुक का नियम कहता है, आपने पढ़ा भी होगा, प्रतास्थता सीमा के अंतर्गत प्रतिबल विकृति के समानुपाती होती है, या फिर विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ऐसा कहा जाता है। तो अगर अगर देखिए समानुपाती का चिन्ह हट गया तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट आ जाता है, मान लिया इसको ई से दर्शा रहे हैं, ई गुना विकृति, ये तो कांस्टेंट है ना, समानुपाती नहीं आता कांस्टेंट है, तो ई बराबर क्या हो जाएगा, प्रतिबल बट्टा विकृति। अब क्वेश्चन में जाइए, देखिए क्या कहता है, हुक के प्रतास्थता के नियम अनुसार यदि प्रतिबल बढ़ता है तो प्रतिबल से विकृति का अनुपात क्या होगा, तो जैसे जैसे प्रतिबल बढ़ेगा वैसे वैसे तो विकृति भी ना बढ़ेगा, अगर ये भी बढ़ गया तो ये भी बढ़ गया, तो दोनों का बट्टा होकर क्या रहेगा, कांस्टेंट। जैसे अंश बढ़ रहा है वैसे तो हर भी बढ़ रहा है, तो दोनों का भाग देकर के अनुपात क्या होगा, कांस्टेंट ही रहेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, डिक्रीजेस नहीं, इंक्रीजेस नहीं, बिकम्स जीरो नहीं, डी वाला हो जाएगा, रिमेन्स कांस्टेंट, कौन सा, नियत रहता है, डी नियत रहता है। तो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 तक हल कर चुके हैं, इसमें और भी बहुत सारा क्वेश्चन है, और भी हम लोग क्वेश्चन को लेकर के आएंगे, तो अगला पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर के आऊँगा। आप लोग जो भी अभी तक नहीं जुड़े हैं चैनल के साथ, आप लोग चैनल के साथ जुड़ जाइए, इसी तरह से इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम लोग डिस्कस करते रहेंगे।